मधुबनी जिले के वैसे तो सभी नदियां उफान पर हैं। कमला, भूतही, बलान, कोसी तो खतरे के निशान से ऊपर है। कमला नदी में तटबंध के दोनों तरफ जगह जगह कटाव लगने की बात कही जा रही है। खासकर झंझारपुर अनुमंडल क्षेत्र में पहले के सभी संवेदनशील जगहों पर कटाव की खबरें आ रही हैं। तटबंध की सुरक्षा को लेकर आसपास के लोग काफी चिंतित व गंभीर हैं। कारण अगर तटबंध टूटा तो बड़ी तबाही मचेगी। इसी बीच अंद्रढाड़ी प्रखंड के भदवार कमला नदी तटबंध सह सड़क को दर्जनों ग्रामीणों ने ब्रह्म स्थान के निकट बांस बल्ले से घेर कर जाम कर दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने जल संसाधन विभाग के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। इधर जाम रहने से लोगों का आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। सूचना मिलते ही रुद्रपुर थाना SHO आयशा कुमारी, अंचलाधिकारी प्रवीण कुमार वत्स और जल संसाधन विभाग के अधिकारी पहुंचे। अधिकारियों द्वारा तटबंध मरम्मति शुरू होने के बाद ग्रामीणों ने जाम को समाप्त किया। विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा कि तटबंध में कई जगह रेनकट बन गया है। विभाग मरम्मति के नाम पर सिर्फ कागजी खानापूर्ति करते हैं। तटबंध में कई जगह होल है। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे राजद नेता राम विलास धांगर ने कहा कि हरना भदुआ में 40 जगह रेनकट है जिसे तत्काल मरम्मत करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि तटबंध के उच्चीकरण व चौड़ीकरण में बालू का ढेर जमा कर दिया है। बारिश होती ही पानी के साथ मिट्टी भी बहने लगता है। विरोध प्रदर्शन में शामिल जीवछ प्रसाद भारती, शिव कुमार महतो और शिवम ने बताया कि कमला नदी में बाढ़ का पानी पड़ रहा है। तटबंध कई जगह कमजोर है। बारिश से कई जगह बड़े बड़े रेनकट बन गए हैं। बाढ़ के दबाव से तटबंध के टूटने का खतरा मंडराने लगता है। तटबंध मरम्मति के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति विभाग करते हैं। बता दें कि जाम स्थल पर इससे पहले वर्ष 2002 और 2004 तटबंध टूट चुका है। इससे भारी क्षति हुई थी। अंद्रढाड़ी से मोहम्मद आलम की रिपोर्ट।